लीजिए इसमें खेल शुरू होता हुआ महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना बी वर्सेज चंदाणी बी के बीच में पहली रेड बगर किसी अंक के साक्षी पॉइंट मिलना चाहिए। आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं इस वक्त, देखते हैं। जी हाँ पॉइंट मिलता हुआ इसी के साथ है चंदाणी बी को। मनजीत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी, और यहाँ शानदार तरीके से ब्लॉक किया है थाई होल्ड, और इस तरीके से 2-0 से आगे इस वक्त चंदाणी बी। साधारण अकेडमी चंदाणी बी बिटवीन महाराणा लक्ष्मीबाई, 2-0 की बढ़त बनाने में कामयाब शुरुआती समय खेल का, और जीता और उसके बाद अच्छी शुरुआत चंदाणी बी की। सेफ ही वापस मनजीत, सोनाली इस समय देखते हैं कितनी शानदार फॉर्म में है। 5 का डिफेंस बगर किशन के, वापस सुरक्षित। शुरुआत तो अच्छी मिली है चंदाणी को, देखते हैं फायदा कितना उठा पाता। एक बार फिर यूं गए और यूं आए, डू और डाई रेड, दीपिका पॉइंट हर हाल में चाहिए, और यहां ब्लॉक तोड़ने की कोशिश, रेडर आउट इसी के साथ, और यहां पॉइंट मिलता हुआ पहला लक्ष्मीबाई रुधाना को। रुधाना के खाते में ये पहला अंक, इधर से भी डू और डाई अंशुमोर बहुत शानदार, और यहां लक्ष्य तक पहुंचते हुए बड़ी रेड, पहला ही रेड था। 2-3 पॉइंट होने चाहिए। मैच अंपायर इस समय रीना जी, ज्योति जी और उनके साथ अजय जी नरवाल 3 पॉइंट के साथ बढ़त बनाता हुआ इस समय साक्षी खामोशी। वापस अंशुमोर प्रतिभावान खिलाड़ी, हरियाणा प्रदेश की बहुत ही शानदार नेशनल प्लेयर, सुपर टेकल में फायदा उठाना चाहेगी। बगैर किसी जोखिम के वापस, क्योंकि सुपर टेकल था इसलिए, और अब 5 नंबर जर्सी में साक्षी फिर से बगैर किसी अंक के, और यहाँ डी को छूकर वापस, इसी के साथ टाइम आउट लिया है साधारण कबड्डी एकेडमी। गाइडेंस यहाँ पे कोच की, देखते हैं किस प्रकार से दिशा निर्देशित, क्या संदेश रहा होगा। सुपर टेकल में है इस वक्त, डू डाई रेड में थोड़ा सा दबाव है इस समय चंदाणी बी के ऊपर 8 नंबर में, 2 अंक पीछे मुकाबले में, और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश। 1-2 पॉइंट होने चाहिए, सिर्फ सिंगल पॉइंट का इशारा। अब 4-3 के स्कोर में आगे बढ़ता हुआ मनजीत, 4 का डिफेंस है करोमरो की स्थिति रेडर के लिए। झपट्टा मारा है बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए, टच पॉइंट का दावा। जी हाँ, कहीं ना कहीं हेड को टच किया और अंक अर्जित करने में कामयाब। 5वां अंक इस समय दीपिका पॉइंट के प्रयास में इस वक्त, कदमों का इस्तेमाल किया, इधर से भी टच पॉइंट का दावा किया है, देखते हैं आखिर। जी हाँ, अंक अर्जित करने में कामयाब, रोमांचक मैच। 5-4 का स्कोर, बहुत ही शानदार अविश्वसनीय प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के होनार बेटियां इस वक्त। गांव चंदेनी जिला दादरी हरियाणा में आयोजित है लगातार 53वीं नेशनल स्टाइल ओपन कबड्डी प्रतियोगिता, जो कि प्रतिवर्ष आयोजन होता है इस, और यहां पे इस वक्त अंशुमोर चली है। 4 का डिफेंस,
देखते हैं बोनस मिलता है कि नहीं। खामोशी वापस से एक बार फिर से, डोर डाई रेड की प्रतीक्षा, डी को छूकर वापस मनजीत आगे बढ़ते हुए, अब जाकर डोर डाई। और यहां चारों दिशाओं से गेंद, अच्छा कार्य किया, स्कोर लेवल होता हुआ इसी के साथ, पांच पांच का स्कोर लेवल। इधर से भी क्रोमरो की स्थिति, लगातार संघर्ष, टच पॉइंट का प्रयास। जी हाँ, यहाँ रीना जी की नजरें धोखा नहीं खा सकती। साधारण कबड्डी एकेडमी को छठा पॉइंट इस वक्त बढ़त बनाता हुआ मेजबान, जबकि लक्ष्मी बाई एकेडमी लुधियाना इस समय अंशुमोर 21 नंबर जर्सी में। खाली हाथी वापस लौटना पड़ा, मेजबान के पास बढ़त है फिर से। अच्छी शुरुआत की, टॉस जीतकर समय व्यतीत करता हुआ थोड़ा सा यहाँ दीपिका। चंदानी 6, लुधियाना 5, और यहां शानदार थाई होल्ड किया, गजब का टैकल, और इस तरीके से सातवां अंक जाता हुआ इस समय साधारण कबड्डी एकेडमी चंदानी की चोली में। दो अंक की बढ़त, सुपर टैकल में फंसता हुआ ये देखते हैं यहाँ पे वापिस लौटे हैं। सोनाली यहाँ पकड़ ले गई है सुपर टैकल में, अच्छा कार्य करता हुआ इस तरीके से सुपर टैकल से दो पॉइंट अर्जित करता हुआ वापस मैच में। इस समय महारानी लक्ष्मी बाई अकेडमी, और यहाँ पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा, एक अंक की बढ़त इस समय दीपिका रेड पे। आठ नंबर में तीन का डिफेंस सुपर टैकल, पिछली बार सुपर टैकल से दो पॉइंट अर्जित किए थे, वापसी की थी मैच में। मैच के अंपायर रीना जी और उनके साथ ज्योति जी, जबकि थर्ड अंपायर मैच रेफरी के रूप में अजय जी नरवाल, कभी उधर कभी इधर। सुपर टैकल फिर से साक्षी, पॉइंट की तलाश एक बार फिर विदाउट अंक कम बाय। दो डायरेक्ट दीजिए, जब दो रेड खाली हो तो तीसरा रेड डोर डाई, जिसमें पॉइंट अर्जित करना होता है। सुपर टैकल भी है इसलिए रोमांचक रेड, देखते हैं पॉइंट गंवाते हैं या फिर अर्जित करते हैं। कैच किया है शानदार तरीके से, सुपर टैकल से दो पॉइंट फिर से मिलते हुए इस वक्त महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना को स्कोर लेवल और डोर डाई रेड लेके चली इस मनजीत। वापस से एक बार फिर से मैच में लुधियाना, छह का डिफेंस, बोनस ऑन है और यहां थोड़ा सा नियंत्रण खोया, रडर आउट लॉबी में जाता हुआ, बिल्कुल सही फैसला, मेजबान की झोली में यंक। चंदानी 9, जबकि महारानी लक्ष्मीबाई लुधियाना 8। डी को ही छूकर वापस दीपिका, बुलंद हौसलों के साथ सुपर टैकल लगातार दिखाई देता हुआ, और जब तक सुपर टैकल से बाहर नहीं आएगा मुश्किलें हटने वाली नहीं हैं। और यहां ब्लॉक करने की कोशिश की है, पुश भी किया, देखते हैं रडर आउट, यहां अंक गंवाया है दो फिर से। सुपर टैकल में अच्छा कार्य करता हुआ
अब पहली बार बढ़त पे दिखाई देने लगा है। डी को छूकर वापस सोनाली, इधर से भी डी को छूने के बाद वापस डू और डाई की प्रतीक्षा और क्रोमोरो आशा, आशा में निराशा। देखते हैं आखिर, बोनस ऑन है लेकिन ब्लॉक बहुत बेहतरीन किया है और उस चट्टान को भेद नहीं पाया। स्कोर 10-10 स्कोर लेवल होता। वो अपने पूल के सेमीफाइनल पहुंचेगी। एक बार फिर से यूं गए और यूं आए। स्कोर तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर और यहां गलती की है, पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। फिर से बढ़त पे इसमें महारानी लक्ष्मीबाई अकेडमी, एक अंक की दीपिका। डी को छूने के बाद चार का डिफेंस, जो चार और पांच का काफी कठिन माना जाता है, उसी डिफेंस में इस वक्त दीपिका दमदार। अंशुम और टीम की रीड है इस वक्त और इनका खेल काफी महत्वपूर्ण है। बोनस का कमाल का प्रदर्शन, प्रयास किया लेकिन पॉइंट से दूर। सोनाली दो रेड लेकर, यहाँ बड़ी रेड हो सकती है, एक से दो पॉइंट होंगे, दो पॉइंट का इशारा इधर से, एक पॉइंट का। देखते हैं ऑफिशियल टाइम आउट, दो पॉइंट होने चाहिए, इस एंगल से तो ऐसा ही लगा, दो पॉइंट होने चाहिए कहीं ना कहीं। और यहाँ निर्णय देखते हैं, दो पॉइंट का आता बिल्कुल, दो पॉइंट के साथ बढ़त पे फिर से मेजबान। शानदार मुजाहिरा, एक बार उधर एक बार इधर, कांटे की टक्कर दबाव में, यहाँ से पॉइंट गवाया तो फिर ऑल आउट होगा। डिफेंस देखिए कितना मजबूती से बनाते हुए और शानदार प्रयास किया है, लेकिन नहीं, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब सुपर टेकल दो का डिफेंस, अरे वाह भाई वाह, जिस खूबसूरती से चकमा दिया, लाजवाब हवा में छलांग लगाते हुए। अब अंतिम खिलाड़ी है, ऑल आउट का खतरा सर पे मंडराने लगा है लुधियाना के ऊपर। और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचते हुए बोनस के साथ पॉइंट कुल मिलाकर दो अंक, यानी स्कोर देखिए अब 13-13, तराजू की तरह तुल गया मुकाबला। फिर से सुपर टेकल दो के डिफेंस में, हर हाल में पॉइंट चाहिए। मंजीत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, नेशनल खेलने वाली ये बालिका इस समय, लेकिन सोनाली चली इसमें चार नंबर में। सुपर टेकल में फायदा उठाना चाहिए, यहाँ कैच किया है, गलती बड़ी की है, लक्ष्य तक पहुँचने का अवसर था, संघर्ष लगातार, बाहर जाना होगा। इस तरीके से सुपर टेकल से एक बार फिर दो अंक अर्जित की और बढ़त बनाने में कामयाब। बेहद रोमांचक मुकाबला, लुधियाना बढ़त बनाता हुआ लगातार सुपर टेकल में, लेकिन प्रदर्शन लाजवाब। दीपिका डी को छूकर वापस डू और डाई, मंजीत पांच के डिफेंस में और यहां चकमा देने में कामयाब। जो ऑल आउट का खतरा था उससे न बल्कि बाहर आया, बल्कि बढ़त भी बनाता हुआ इस वक्त तीन अंक की। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इस वक्त मेजबान चंदाणी बी के लिए। कई बार बढ़त बनाने में कामयाब रहा लेकिन इस वक्त दीपिका भी वापस, और के साथ टाइम आउट लुधियाना ने, क्योंकि बढ़त बना चुका है और यहाँ गाइडेंस। चार अंक की बढ़त हम आपके लिए लुधियाना के लिए। और यहाँ चंदाणी दो डायरेक्ट लेकर, दीपिका दमदार
चार के डिफेंस में कदमों का इस्तेमाल किया, टच पॉइंट का दावा किया, लेकिन शायद नहीं, डू ऑर डाई रेड है। जोखिम के लिए जाना चाहिए। ब्लॉक किया है बेहतरीन तरीके से, शाहरुख खान ने चित्त किया इस तरीके से, डू ऑर डाई रेड से एक और अंक बटोरने में कामयाब लुधियाना। डू ऑर डाई लेके मंजी चली है इस वक्त, गजब की वापसी, नबल की वापसी किया, बढ़त भी बनाने में कामयाब, इसमें पांच अंकों के। और यहाँ लीजिए एक और अंक चुराते हुए मंजीत, 13-19 का स्कोर इस वक्त, अच्छी स्थिति में। हालांकि पहले आपका खेल 6 अंकों की जो बढ़त बनाई है पिछड़ने के बाद, लाजवाब, बहुत ही शानदार, जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। दो का डिफेंस, सुपर टेकल में फंसता हुआ इस समय, और यहाँ लीजिए ऑल आउट का भी खतरा मंडराने लगा है। स्कोर बढ़ता हुआ 20 सीसी के साथ, हाफ टाइम लीजिए, मध्यांतर का समय, अजय जी नरवाल और उनके साथ ज्योति जी, रीना जी, बहुत बेहतरीन ऑफिस सेटिंग, शानदार भूमिका निभाते हैं इस वक्त। साधारण कबड्डी अकेडमी 13 लगातार देखिए मंत्रणा अंपायर्स के बीच में, इसमें रीना जी उनके साथ ज्योति जी और मैच रेफरी के रूप में अजय जी नरवाल, जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। शुरू होता हुआ खेल, 7 अंक की बढ़त लुधियाना के पास, और अब देखिए 9 नंबर जर्सी में। टच पॉइंट का प्रयास, दबाव में दिखता हुआ इस समय शुरुआती समय में चन्नानी भी, और यहां टच पॉइंट मिलेगा, जी हां, बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 अंक, अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में। अब सिर्फ 5 अंक पीछे है मैच में, मनजीत ही आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, रोमांचक मुकाबला। सुपर टेकल में इस वक्त, और यहाँ हाथ पकड़ने का प्रयास, लेकिन मनजीत आसानी से, और यहाँ एक अंक गंवाया दूसरे हाफ में, पहला पॉइंट ये लुधियाना के खाते में, 6 अंक की बढ़त, रोमांचक मैच है हालांकि, लेकिन जिस प्रकार से बढ़त बनाई है, साइड लाइन से बाहर भी अजगर अच्छा कार्य किया, ऑल आउट के साथ 3 पॉइंट जाते हुए, हालांकि बोनस अर्जित किया, 8 अंकों की बढ़त इस ऑल आउट के साथ ही। दूसरे हाफ में शुरुआती समय में ऑल आउट किया है, कमाल का खेल, जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। महारानी लक्ष्मीबाई अकेडमी लुधियाना, अंशु मोर बेहतरीन नेशनल खिलाड़ी सब हरियाणा प्रदेश के लिए, और जो गोवा में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता खेला गया था हाल ही दिनों में, वहां भी अंशु मोर ने शानदार प्रदर्शन किया था, उप विजेता रहा था हरियाणा। और यहां एक और अंक, 17-24 का स्कोर इस समय, मनजीत छकाने की कोशिश, कॉर्नर पे तलाश, लेकिन इतना आसान नहीं, परछाइयां लंबी होती हुई शाम ढलती हुई, कविता और यहां दीपिका पॉइंट अर्जित करने में कामयाब, बढ़त को कम करने की कोशिश, डू ऑर डाई रेड लेके आगे चले इस मनजीत, और कॉर्नर में कमाल का कैच किया है, शाहरुख खान ने चित्त किया, एक और अंक, बढ़त को कम करने की कोशिश लगातार सोनाली, देखिए और यहां पुश करने का प्रयास किया है, देखते हैं रेड आउट, और इस तरीके से जींद के खाते। काफी तेज गति से धक्का मारा था
साइड लाइन से बाहर भेजकर जो अंक चंदानी को जा रहा था उसे अपने पाले में खींच लिया। रन सुम और देखे एक और बेहतरीन रेड का मुजाहरा। इसी के साथ सेटार स्ट्रेटजी टाइम आउट, दूसरे हाफ में पहला टाइम आउट लिया है इस वक्त कोच ने, और थोड़ी सी दिशा निर्देश हिदायत होगी कि गलतियों से बचा जाए। दर्शकों की बात करें तो काफ़ी संख्या में इसमें आप देख सकते हैं इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए 53वीं ओपन कबड्डी प्रतियोगिता, कल यहां पुरुष वर्ग में कबड्डी खेला जाएगा, देखना ना भूलें। बड़े मैच और दीपिका आशा में आगे बढ़ती हुई इसमें हरियाणा में सिरमौर टी को छूकर वापिस, क्योंकि कोच की गाइडेंस यही रही होगी जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, उस समय बिताना चाहेगा लगभग हर रेड के ऊपर पूरा ही समय व्यतीत करना चाहेगा इस वक्त। जींद महारानी लक्ष्मीबाई अकेडमी लुधियाना पूरा समय लेकर ही वापस लौटी अंशुमोर हरियाणा में सिरमौर, और इस वक्त दीपिका संघर्ष करती हुई मेजबान चंदानी के लिए पॉइंट की तलाश बाएं कॉर्नर से। इस वक्त मजबूत डिफेंस नज़र आता हुआ लुधियाना का, और बोनस अर्जित करने में कामयाब, संघर्ष करने पे सफलता जरूर मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 20-26 का स्कोर यानी 6 अंक की बढ़त अभी भी। मंजीत नेशनल खेल चुकी मंजीत और अंशुमौर, लेकिन यहाँ बोनस अर्जित करने में कामयाब, फिर से वही पुनरावृत्ति। अब सिर्फ 5 अंक पीछे है मैच में, डू ऑर डाई रेड है इधर से, थोड़ा सा दबाव रेडर के ऊपर होगा। मंजीत मौके की तलाश है, कॉर्नर के ऊपर मौका पा लिया, कॉर्नर को बाहर भेजा, 10 नंबर ने 9 नंबर को बाहर का रास्ता दिखाया इस प्रकार से। बड़ी देर के बाद ये लुधियाना की झोली में अंक, 6 अंक की बढ़त फिर से, और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया है, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। अंशुमौर ने सामने आते हुए जिस खूबसूरती से ब्लॉक किया, लाजवाब, देखिए फिर से व्यतीत करता हुआ समय अंशुमौर, एक रिप्लेस किया है चंदानी ने। दूसरा आपका खेल अब ज्यादा नहीं बचा है, पॉइंट की तलाश में इस वक्त सेफी वापस लौटी मंजीत, क्या समय व्यतीत करना चाहेंगे एक बार फिर। वही पुनरावृत्ति, पिछले रेड पे अंशुमौर ने पूरा समय लिया था, इस बार मंजीत समय गंवाती भी, क्योंकि बढ़त 7 अंक, इसलिए लाजमी समय बिताना। आठ नंबर में इस वक्त जो सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आए थे, और यहाँ पॉइंट मिलना चाहिए, जी हाँ बोनस डू ऑर डाई पर मंजीत, इसमें मंजीत देखते हैं सुपर टेकल भी डू ऑर डाई भी, मुसीबतें दोनों ही तरफ से हैं। और यहां प्रयास अच्छा किया कॉर्नर पे, ईमानदारी का परिचय दिया, एक नंबर को बाहर भेजती हुई इस समय मंजीत 10 नंबर से, 7 अंक की बढ़त एक बार फिर से, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है लुधियाना की पिछड़ने के बाद। और कमाल का कैच किया है, अरे वाह भाई वाह, मजबूत स्थिति में अंतिम खिलाड़ी, ऑल आउट का खतरा, और यह समय बिताना चाहेगी मंजीत इस वक्त। देखिए
कपड़े पकड़ने की कोशिश, इस प्रकार से ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट किया दूसरे हाफ में, 3 पॉइंट के साथ बढ़त इस समय देखिएगा 11 अंकों की। कमाल का प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम, संघर्ष जरूरी है और साइड लाइन से बाहर भेजता वापस किया, और इसी के साथ एक और पॉइंट गंवाया। 12 अंकों की लीड हो चुकी है, अब देखते ही देखते सूर्य सेट होने की कगार पे, शाम ढलती भी दूधिया रोशनी में आगे के मैच खेले जाएंगे। फ्लड लाइट की यहाँ व्यवस्था, और देखते हैं दूधिया रोशनी में किस प्रकार का खेल, क्योंकि फाइनल मैच आज ही होना है, फिर वही कोशिश समय बिताने की। लगभग हर रेड के ऊपर पूरा ही समय ले रहा है इस समय लुधाना, अच्छी खासी लीड 12 अंकों की, और यहां ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन शायद लक्ष्य रेखा से पार चला गया डिफेंडर, तो एक अंक यहां मिलता हुआ इस वक्त साधारण कबड्डी एकेडमी चंदानी को। धक्का देकर रेडर ने डिफेंडर को अपने पाले में भेज दिया था, इसलिए 1 पॉइंट जरूर, लेकिन 11 अंक अभी भी बैकफुट पे। मनजीत कोशिश समझ आया करने की, लगातार वही पुनरावृत्ति। सौतीस तेज का स्कोर, 11 अंकों की मजबूत लीड, और इस बढ़त को काटना कतई आसान नहीं है चंदानी के लिए। सोनाली और यहां खूबसूरती से कैच किया है कॉर्नर के ऊपर, एंगल होल्ड, और इस तरीके से एक और अंक बढ़त, फिर से 12 अंकों की, डू और डाई रेड, अंशुमो रेड पे। और यहां देखिए गोता लगाते हुए पहुंची, छूने के बाद एक अंक फिर से अर्जित किया। मैच का समय ज्यादा नहीं, जीत के बेहद करीब इस वक्त लुधाना, महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधाना जींद। अंतिम 5 मिनट का इशारा, वापिस लौटना कतई आसान नहीं, अंक जरूर अर्जित किया। मनजीत पॉइंट की तलाश में, बहुत बेहतरीन होनार बालिका एक से बढ़कर एक यहाँ पहुँची है हरियाणा प्रदेश से काफ़ी टीमें, और यहाँ टच पॉइंट फिर से अर्जित करने में कामयाब मनजीत, समय भी पूरा लेना चाहेंगी। सैंतीस स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ, जबकि 24वें रुका हुआ चंदानी। ये देखिए भाई, और इस तरीके से साइड लाइन से बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन सफल रेड 2 पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। अंशु मोर को भी बाहर भेजा, मनजीत 11 अंकों की बढ़त बेहद मजबूत, 26-37 इसी के साथ टाइम आउट, लुधाना ने टाइम आउट लिया है इसी बीच। कोचिंग लगातार, अंशुम और लगातार गाइडेंस, इधर से बात करें तो देखिए रीना जी, अजय जी नरवाल, और सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आए एक बार फिर से रिप्लेस चंदाना टीम की में। कोचिंग लगातार, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई। मुकाबले में पिछड़ा हुआ चंदानी, और यहाँ अच्छा नियंत्रण एक बार लगा कि शायद, और कमाल का कैच किया टाई लगाते हुए थाई होल्ड, और इस तरीके से अंक बटोरने में कामयाब।
आखिरी 3 मिनट शेष है और एक अच्छी लीड के साथ अंतिम 3 मिनट का खेल शेष, जीत के बेहद करीब इस वक्त क्योंकि जो टीम ग्राउंड नंबर 1 पर जीतेगी वो आगे नंबर के साथ मैच खेलेगी और ग्राउंड नंबर 2 पर जो है जीतेगी अंशु मोर फिर से समय बिताता हुआ जीत के साथ मैच खेलेगी तो जीत की टीम भी तैयार हो जाए और आगे की टीम भी तैयार हो जाए। जूझता हुआ इस समय साधना एकेडमी चंदानी यहाँ टच पॉइंट का दावा, खाली हाथ ही वापस डू डायरेक्ट पे हैं सुमौर और यहाँ डुबकी लगाते हुए देखे किस खूबसूरती से चकमा दिया शानदार तरीके से। 2 पॉइंट होने चाहिए शायद, जी हाँ धीरे-धीरे 14 अंकों की विशाल बढ़त और इस बढ़त को काटना बेहद मुश्किल है और उस दीवार को तोड़ते हुए दीपिका लक्ष्य तक पहुंचते हुए शानदार मुजाहिरा। समय बिताता हुआ इस वक्त महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना जींद, क्योंकि अच्छी खासी लीड इस समय 13 अंकों की और समय बहुत कम बचा है इस वक्त, इसलिए बेहद दबाव में। अंतिम 60 सेकंड बाकी और इस 60 सेकंड में वापस लौटना का कतई आसान नहीं इस वक्त, महज औपचारिकताएं जीत लगभग तय है इस वक्त लुधियाना की और इस जीत से हौसले भी बुलंद होंगे और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगा। 1 से 2 ही रेड और हो सकते हैं क्योंकि इधर से तो हर रेड के ऊपर पूरा समय लेता है महारानी लक्ष्मीबाई एकेडमी लुधियाना। 17 नंबर में इसमें देखिए समय व्यतीत किया जा रहा है और जब बढ़त हो तो स्वाभाविक है समय बिताना। बेहद दबाव इस वक्त, दीपिका काफी निराश इस वक्त, मैच बिल्कुल समाप्ति के करीब, जी हाँ बच गए सिटी। इसी के साथ 13 अंकों के अंतर से लुधियाना ने मुकाबला जीत लिया है जिनका अगला मैच आदमपुर के साथ होगा। देखना ना भूलें कुछ समय बाद मैं यूँ गया और यूँ आया।